गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टमक। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फायरिंग्स एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिर सॉरी इसोफेगस एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अभी तक कंप्लीट किया माउथ, बकल केविटी। बकल केविटी के अंदर जो जितने स्ट्रक्चर्स होता है लाइक टीथ, पैलेट, टंग, ये सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फायरिंग्स, फिर इसोफेगस। इसोफेगस के बाद हमारा आ जाता है स्टमक। ठीक है, क्योंकि इसोफेगस का जो पाइप है, इसोफेगस लीड्स इनटू अ बेग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। इसोफेगस, हमारा जो इसोफेगस है वो कहाँ ओपन होता है? स्टमक में ओपन होता है। ठीक है, हमारे बेली में ओपन होता है, स्टमक में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो स्टमक जो है वो क्या होता है, एक मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टमक इज अ मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर। द इसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक। इसोफेगस कहाँ पे ओपन होता है? हमारे स्टमक में ओपन होता है। ठीक है, और जो स्टमक जो है वो उसका पोजीशन कहाँ पे होता है? स्टमक इज ऑब्लिकली प्लेस्ड बिलो द डायफ्राम और स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, ये हमारे मतलब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारे बॉडी की जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होता है, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे उसका पोजीशन होता है, बिलो दी डायफ्रेम, डायफ्रेम के नीचे। ठीक है, और इट इज़ अ डिस्टेंसेबल बेग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टमक में हम लिख सकते हैं स्टमक इज अ मस्क्यूलर, इट इज़ अ मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर। इसका पोजिशन कहाँ है? स्टमक इज ओब्लिकली प्लेस्ड बिलो द डायफ्राम। इट इज ओब्लिकली प्लेस्ड बिलो द डायफ्राम, स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड, स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड, हमारे बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्रेजेंट होता है, हमारा स्टमक। ठीक है, तो अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो स्टमक जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। ठीक है, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारे इसोफेगस है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये मान लो हमारा क्या है, ये इसोफेगस है। इसोफेगस एक लॉन्ग पाइप होता है। ठीक है, दिस इसोफेगस ओपन्स इनटू या लीड्स इनटू अ मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। ये है क्या, ये क्या है, हमारा स्टमक है। ये इसोफेगस है, इट इज इसोफेगस। इसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक के चार पार्ट से, ठीक है, जो स्टमक का जो ये बल्जिंग पार्ट है, द बल्जिंग पार्ट ऑफ स्टमक, जो ऊपर की तरफ थोड़ा स्वेल अप हुआ है, स्वेलिंग हुआ है। ठीक है, द बल्जिंग पार्ट, ये वाला स्टमक का जो ये पार्ट है, बल्जिंग पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज फंडस। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फंडस, FUNDUS, फंडस। एंड द पार्ट विच इज मोर क्लोजर टू द लेफ्ट हैंड साइड, इसको, ठीक है, मोर क्लोजर टू द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज कार्डियक पार्ट। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहा जाता है कार्डियक पार्ट। स्टमक इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट, द बल्जिंग पार्ट इज नोन एज फंडस, द पार्ट विच इज मोर क्लोजर टू द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज कार्डियक पार्ट। इसको कार्डियक पार्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नियर होता है, नियरर टू द हार्ट होता है। ठीक है, और इट इज द कार्डियक पार्ट इज क्लोजर टू द हार्ट, ये हार्ट के नजदीक होता है, इसलिए कार्डियक पार्ट कहा गया है इसको। और जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक इज नोन एज बॉडी, इट इज, इसको क्या कहा जाता है, जो मेन पार्ट है स्टमक का, मेन पार्ट को कहा जाता है बॉडी ऑफ स्टमक। और जो लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि ओपन होता है, इट ओपन्स इनटू
इट ओपन्स इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लोअर पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि हमारे डिजेनम में ओपन होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट स्टोमक का लोअर पार्ट को कहा जाता है पाइलोरिक पार्ट। तो स्टोमक इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स है, चार पार्ट्स है, ठीक है, फंडस, कार्डियक, सेकंड क्या है कार्डियक पार्ट, थर्ड है बॉडी और फोर्थ है पाइलोरिक, फोर्थ है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया स्टमक के पार्ट्स, ठीक है, और जो लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, द पाइलोरिक पार्ट, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक इज द पाइलोरिक पार्ट दैट लीड्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हमने कहा कि जो इसोफेगस जो है, ठीक है, ये वाला पाइप, इसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, इसोफेगस ओपन इनटू स्टमक। अब स्टमक और इसोफेगस या इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक ओपनिंग होता है, ठीक है, एक ओपनिंग होता है, एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ स्फेंस्टर कॉल्ड कार्डियक स्फेंस्टर। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, कार्डियक स्फेंस्टर कहा जाता है, कार्डियक स्फेंस्टर, ठीक है, स्फेंस्टर मीन्स मस्क्यूलर, इट इज अ मस्क्यूलर वॉल, ठीक है। तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक ओपनिंग होता है विच इज गार्डेड बाय अ स्फेंस्टर नोन एज कार्डियक स्फेंस्टर, ठीक है, स्फेंस्टर, ठीक है। और एट द लोअर एंड या एट द अपोजिट एंड, अपोजिट एंड पे क्या है ये, ठीक है, स्टमक लीड्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक ओपनिंग होता है, इसको कार्डियक ओपनिंग या कार्डियक स्फेंस्टर कहा जाता है, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक ओपनिंग होता है, ठीक है, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ द स्टमक वेयर इट लीड्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट इट इज आल्सो गाइडेड बाय अ स्फेंस्टर, इट इज आल्सो, दिस ओपनिंग इज आल्सो गाइडेड बाय अ स्फेंस्टर नोन एज पाइलोरिक स्फेंस्टर, इसको क्या कहा जाता है, इस ओपनिंग को पाइलोरिक ओपनिंग या पाइलोरिक स्फेंस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास स्टमक के अंदर दो ओपनिंग है, एक तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में ओपनिंग है और दूसरा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक ओपनिंग है। तो ठीक है, जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो ओपनिंग है इट इज गार्डेड बाय अ कार्डियक स्फेंस्टर, एंड द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक ओपनिंग है, इट इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फेंस्टर और इट इज नोन एज पाइलोरिक स्फेंस्टर, ठीक है। अब जब हम स्टमक पे आ जाता है, ठीक है, तो हमें पता है कि स्टमक में क्या होता है, स्टमक का मेन फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर फूड, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, हम सबको पता है कि स्टमक का फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर्स फूड, ठीक है, इट स्टोर्स फूड, ठीक है, ये फूड को स्टोर करता है स्टमक। अब ये जो फूड हम खाते हैं, द टाइप ऑफ फूड वी ईट, ठीक है, जो फूड, जिस तरीके के फूड हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में कितने देर तक स्टोर हो जाएगा, ठीक है, होता है या कितने देर तक स्टोर रहता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ फूड हम खा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब द फूड इन स्टमक, द फूड इज स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ फूड वी ईट, द ड्यूरेशन फॉर विच इट इज गोइंग टू स्टे इन द स्टमक, ठीक है, कितना, मतलब मान लो हम अगर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे, ठीक है, हमारे फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो स्टमक में मान लो मतलब रहता है 1 से 2 घंटे तक, ठीक है। अगर हमारे फूड में प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन रिच फूड है, तो वो 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में स्टोर होता है। और अगर हमारे फूड फैटी फूड है, फैट रिच फूड है, जैसे कि बटर, घी, मतलब जो फैट रिच फूड है, ऑयली फूड है, तो वो ज़्यादातर मतलब रहता है, ठीक है, स्टमक में तकरीबन 4 से 6 घंटे रहता है। तो ये जो टाइप ऑफ फूड, कौन से किस्म के फूड हम खाते हैं उस पर डिपेंड रहता है कि वो फूड हमारे स्टमक में कितने देर तक, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कितने रहता है, कार्बोहाइड्रेट
फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड स्टोर फूड स्टेज ए स्टोर इन स्टमक फॉर 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे तक रहता है। प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड रहता है हमारे स्टमक में तकरीबन 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स रहता है, ठीक है, हमारे स्टमक में स्टे करता है, स्टोर होता है। और जो फैट रिच फूड है, वो तकरीबन 4 से 6 घंटे तक हमारे स्टमक में स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने स्टमक में, हमारे स्टमक का ये फंक्शन क्या है, ये फूड को स्टोर करता है। और कितना, मतलब फूड कितना हमारे स्टमक में कितने देर तक रहेंगे वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ फूड विच वी ईट, ठीक है। अब हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था कि जो एलिमेंट्री कनाल का जो लेयर्स है, ठीक है, वो 4 लेयर्स से बना होता है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। तो स्टमक भी हमारे एलिमेंट्री कनाल का ही पार्ट है। और स्टमक के अंदर अगर हम स्टमक के लेयर्स को देखेंगे कि स्टमक किससे बना होता है, कौन से लेयर्स से बना होता है, तो स्टमक में भी 4 लेयर्स होता है, आउटर सिरोसा, इनर सॉरी आउटर सिरोसा, देन मस्कुलेरिस, देन सब म्यूकोसा एंड इनर म्यूकोसा। तो हमें पता है स्टमक इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, 4 लेयर्स से बना होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, आउटर आउटर सिरोसा। फिर इसके बाद आता है मस्कुलेरिस, फर्स्ट इज सिरोसा, सेकेंड इज मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस लेयर आता है, थर्ड आता है सब म्यूकोसा, एंड जो लास्ट इनर जो लेयर है वो है म्यूकोसा। अब हम जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे तब हम मैंने कहा था कि जो मस्कुलेरिस लेयर है, ठीक है, मस्कुलेरिस लेयर है, इसमें स्टमक के अंदर ये एक स्टमक का यूनिक फीचर होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्री कनाल के जो लेयर्स हैं उनमें 2 मस्कुलर लेयर होता है, एक सर्कुलर मस्कुलर लेयर, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर। लेकिन स्टमक के जो मस्कुलर मस्कुलेरिस लेयर में 3 मस्कुलर लेयर होता है, आउटर सर्कुलर मसल लेयर, फिर मिडल में ओब्लिक मसल लेयर होता है, फिर इनर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होता है, ठीक है। तो तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इसका मस्कुलेरिस लेयर का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारा आउटर सिरोसा है, ठीक है, स्टमक का आउटर सिरोसा है, ठीक है, फिर मस्कुलेरिस लेयर, ये सिरोसा है, फिर मस्कुलेरिस लेयर में क्या होता है, आउटर सर्कुलर मसल लेयर होता है इस तरीके से, फिर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है, फिर ओब्लिक मसल होता है इस तरीके से, ओब्लिक मसल भी होता है। तो 3 मस्कुलर लेयर होता है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ओब्लिक मस्कुलर लेयर। फिर हमारा आता है सब म्यूकोसा, फिर क्या आता है, फिर हमारा आता है सब म्यूकोसा, ठीक है, इस तरीके से सब म्यूकोसा आता है, फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, म्यूकोसा लेयर आता है जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिर लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, इस तरीके से ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, यह हमारा क्या है, म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर। तो ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे मस्कुलेरिस लेयर में, ठीक है, स्टमक के मस्कुलेरिस लेयर में सर्कुलर मसल भी है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी है और ओब्लिक मसल भी है। लेकिन अगर हम इसोफेगस या इंटेस्टाइन के मस्कुलर लेयर को देखेंगे तो उसमें सिर्फ सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल ही होता है, ओब्लिक मसल नहीं होता है। तो ओब्लिक मसल जो प्रेजेंट होता है स्टमक के मस्कुलेरिस लेयर में वो यूनिक फीचर है स्टमक का, ठीक है। अब म्यूकोसा लेयर में हमने बताया कि इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, इसमें म्यूकोसा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, म्यूकोसा लेयर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, स्टमक के जो म्यूकोसा लेयर है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस म्यूकोसा लेयर को देखेंगे, ठीक है,
यहाँ पे क्या होंगे, कोलमनर सेल्स होंगे। मान लो ये हमारा क्या है, म्यूकोसा है, ठीक है, म्यूकोसा के सेल्स से ये कोलमनर सेल्स है, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होंगे, कोलमनर सेल्स होंगे। फिर यहाँ पे क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है। मान लो मैं यहाँ पे ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है, सिंपल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है म्यूकोसा लेयर में, स्टमक के म्यूकोसा लेयर में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है वो सिंपल होता है, कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल होता है, ब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांच्ड होता है, ठीक है, और ट्यूब्यूलर होता है, ठीक है, एंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स, ट्यूब लाइक मीन्स ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। अब इस ग्लैंड्स में, ठीक है, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी सेल्स, गोबलेट सेल्स पाया जाता है, अर्जेंटिफिन सेल्स पाया जाता है, ऑक्सैंटिक सेल्स पाया जाता है, जी सेल्स पाया जाता है, चीफ सेल्स पाया जाता है, बेसल सेल्स, बहुत सारे सेल्स पाया जाता है। अब ये एक एक सेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल पाया जाता है इसमें, ठीक है, वो है गोबलेट सेल्स, ठीक है। मान लो ये क्या मतलब देयर आर वेरियस सेल्स फाउंड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो हम लिख सकते हैं वेरियस सेल्स, ठीक है, वेरियस सेल्स फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं पहला, ठीक है। सेकंड जो है ऑक्सेंटिक सेल्स पाया जाता है, ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक है, जिसको पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है, पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पाया जाता है चीफ सेल्स, या जिसको पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल भी कहा जाता है, चीफ सेल्स, ठीक है, या चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल भी कहा जाता है। और क्या पाया जाता है, कौन से सेल्स, अर्जेंटोफिन सेल्स पाया जाता है, अर्जेंटोफिन सेल्स पाया जाता है। फिर पाया जाता है जी सेल्स, फिर पाया जाता है बेसल सेल्स, बेसल सेल्स या स्टेम सेल्स। ये सारे सेल्स, ठीक है, ये इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है, इस वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है। अब ठीक है, अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो ये सेल्स मैंने लिखा है यहाँ पे, गॉबलेट सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, अर्जेंटिफिन सेल्स, जी सेल्स, ये हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या सिक्रीट करता है, ठीक है, इनका पोजिशन लोकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो यार ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।